मैं कैलिफोर्निया में मौजूद हूँ, योबा सिटी में, और काफ़ी सड़कों पर निकलने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ों की मालूमात हुई है। जो बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं, ये एक जैक रिपका के नाम से जो है अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है कि भाई जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए ना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रॉलर हो गए, टॉयस हो गए, बच्चों के जितने खिलौने, बच्चों की जो एसेसरीज होती है बेसिकली वो उनको मिलती है। पता चला कि ये बोर्ड चेक करें कितनी अच्छी लग रही है, और ये इनकी प्राइवेट बोर्ड है। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक खैरियत से? इस वक्त मैं कैलिफोर्निया में मौजूद हूँ, योबा सिटी में, और काफ़ी सड़कों पर निकलने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ों की मालूमात हुई है जो कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे होमलेस लोगों के लिए सिर्फ $2 के अंदर कपड़े वॉश होने से रिलेटेड बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं। बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए टॉयस हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं फर्दन आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ, क्योंकि वॉइस बहुत आएंगी, इससे बेहतर है कि वॉइस ज़्यादा आए। मैं इसको रैप अप करती हूँ फिलहाल इस शॉट को, और आगे चल के आपको दिखाऊंगी। सो लेट्स, मैं साथ अपनी दोस्त के निकली तो रास्ते में पता चला कि ये बोर्ड चेक करें कितनी अच्छी लग रही है, और ये इनकी प्राइवेट बोर्ड है जिसको ये इंजॉय करते हैं और लाइफ स्टाइल देख गए माशाल्लाह। यहाँ पे एक बात वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी, लोग अपने लिए जीते हैं, अपने ऊपर लगाते हैं, और कुछ चीज़ों में ठीक है जो भी मसला मसाइल बातें, लेकिन एनीवे लेट मी शो यू कितना अच्छा घर भी है माशाल्लाह से, और सिटिंग एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये सिटिंग एरिया चेक करें और बहुत खूबसूरत है। हियर वी गो। और इस वक्त मैं तोबा सिटी में हूँ, और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, जो बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं, ये एक जैक रिपका के नाम से जो है अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है कि भाई जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए ना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रॉलर हो गए, टॉयस हो गए, बच्चों के जितने खिलौने, बच्चों की जो एसेसरीज होती है बेसिकली वो उनको मिलती है। तो क्या बात है माशाल्लाह, इधर रहने के इंसानों के साथ साथ, मतलब वो छोटे छोटे मासूम बच्चों का जो एक ऑक्यूमेंटेशन का जो ख्याल किया जाता है वो बहुत अच्छा है। आई लव इट, लाइक इट। ये होमलेस लोग हैं जो के बाहर होते हैं, ठीक है, रोड पर, और फिर इनको कुछ ऑक्यूमेंटेशन, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो यहाँ की हुकूमत बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड भी करती है। लेकिन बहुत सारे जो होमलेस लोग हैं ना यहाँ पे, ज़्यादातर ड्रामा टाइप की चीज़ें बहुत हैं, मतलब वो इतना होते नहीं जितना प्रिटेंड कर रहे होते। भी ये चेक करें आप, लेकिन अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे, कुछ लोग होते भी हैं। लॉन्ड्री का मैं आपसे जिक्र कर रही थी, ये चेक करें, ये सामने ही लॉन्ड्री है, ठीक है जी, रेड और उस कलर के अंदर, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ होमलेस लोग जो हैं वो सिर्फ $2 के अंदर अपने बेशुमार कपड़े धुलवा सकते हैं, ठीक है जी, युवा सिटी के अंदर। अरे मेरी दोस्त जो है ना, मुझे लेके निकल तो गई है, लेकिन इसको यही हो रहा होगा कि यार मैं अब क्या करूँ, अब ब्लॉग तो शूट कर रही, छोटे छोटे मासूम शहजादे बच्चे, अल्लाह ज़िंदगी दे, बहुत पाले बच्चे हैं, और हम दोनों ने एक जैसे ड्रेस भी पहने हुए, चेक करें, से हाय। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शॉप का, यहाँ पे जो मार्डिस का नाम है फाइव बेलो, ओके, ये आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आप जो भी चीज़ ख़रीदेंगे $5 में आप सब कुछ ले सकते हैं। $5 में एक कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसकी पेमेंट जो है $5 है। और इस वक्त अंदर चलते देखते हैं कि $5 में आपको क्या क्या मिलता है। वैसे $1 में, $2 में, $3 में भी चीपेस्ट चीज़ें होती हैं, लेकिन $5 में यहाँ पर पता चला कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, और कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको चल के दिखाती हूँ। टोबा सिटी मतलब मैं योबा सिटी में, सॉरी नॉट टोबा सिटी, टोबा टैक्सल, मुझे लाहौर याद आ गया। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, करीब करीब बहुत सारी सहूलतें हैं
लेट्स मूव $5 में हम क्या क्या ले सकते हैं, $5 में क्या क्या मिलता है, ठीक है जी। इट्स नॉट अ टू मच बिग मॉल, ठीक है जी, नॉर्मल सा है, लेकिन $5 में क्या क्या है आई लेट यू नो। ये बैग्स हो गए, बैग्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं यहाँ पर। $5 मैंने अभी देखा 1000 समथिंग, ओ माय गॉड, गिटे ये तो बहुत चीप प्राइस है। ये भी अच्छा, बस ये सारे मेकअप के ब्रांड, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि हम जो ब्रांडेड चीज़ें हम लोग लेते हैं पाकिस्तान में, ऑब्वियसली ब्रांड ब्रांड होता है, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नो डाउट बहुत अच्छी हैं। मैं समझती हूँ, मैंने इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया, लेकिन दैट इज़ गुड। $5 में भी ना यहाँ कोई मतलब ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें नहीं जाती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा सोचें आप $5 को अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी करेंसी से करते हैं तो आई थिंक मैं बताती हूँ कि कितनी मिलेगी। बट आइस पेंसिल ये बड़ी अच्छी लगी है, ये भी $4 की है। वाओ दैट्स ग्रेट, ये $4 की, ये सारी बल्कि फोर है, ये $4.50 आ गया, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, वॉट इज दिस, ये सारा अच्छा मेकअप का छोटा सा किट है, फॉर एग्जाम्पल नेल है, और ये जो हमारे नेल्स का ही सारा वो है पूरा, क्या क्या कलर लगा था मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नेल्स में नहीं लगाया कुछ भी। अच्छा ये कब भी बड़ा अच्छा लगा। अच्छा जी, वाह वाह, अगर आपने किसी के साथ किसी को गिफ्ट देना ना, तो मैं समझती हूँ कि आप यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो कि $5 में परफ्यूम्स खास तौर पर बड़े अच्छे हैं, परफ्यूम ले लें। अच्छी, लेकिन इतनी फ्रेगरेंस है नहीं है, स्प्रे है या नहीं है, बट समझते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें देखिए, ग्लास के लिए वेरी नाइस, वाह 1000 रुपये में। वैसे कराची में जितनी महंगाई हो गई ना, मैं तो समझती हूँ कि चीज़ें लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ के इतने कम पैसों में अगर आपकी सैलरी 6000 है, तो 6000 के ना बड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ें अपने घर में ला सकते हैं, रख सकते हैं। ओके, यानी मैं उड़ जाते हैं क्योंकि अपना ही वजन कभी कभी उठाया जाता है। ठीक है, अच्छा वेरी नाइस, दोस्त मिल गई और उनके साथ बातें शायद होगी। दोस्त इसलिए क्योंकि जब आपको कोई बंदा रिस्पेक्ट दे, यूजुअली आई एम टेलिंग हर के एवरीवन, आई वाज स्टैंडिंग ओवर देयर, आई एम सर्चिंग अबाउट समथिंग, आई विल बी टॉक टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई आई एम गोना बी आस्क लाइक माय फ्रेंड टू टेल टू माय फ्रेंड्स व्हाट्स गोइंग ऑन, वेयर यू फ्रॉम बाय द वे। I am Marisol Diaz. Nice to meet you guys. Hi, I'm sorry, I'm a bit nervous. I never thought this. I was a kid, although, you know, just being crazy. You know, like when you're a kid, you're just all over the place, and I was a little wannabe YouTuber. I'm originally from Sacramento. I was born and raised there. Okay. More of the west side Sacramento. But I've been here mostly all my life, like from Live Oak High School. I lived in Live Oak. Oh, okay. So, yeah, it's just a little over the place. What about the Pakistani person you was asking me? That means we actually lost too much time. We are talking too much away. But the problem is that now one of my friends said, get it started, some little bit capture it. So I said, okay, but now the voice is going up. She's not talking about too much, but anyway. I usually love this. And knowing that I'm going to be in channel, I'm kind of like, I'm a bit nervous. But look at Simulator. I'm getting a white and you're black.
lines. What? Oh, incident. And look at her, she's too cute. Shout out to my beautiful Pakistan. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. 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 कह रहे हैं कि वेट अभी नहीं जाना क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले ही जो है ना उसको प्रेस किया और उसने मुझे फ़ौरन टाइम दिया था 1, 2, 3, 4 मिनट तक मैं वीडियो बना रही थी तो दैट्स व्हाट अगेन मैं प्रेस करती हूँ देखते हैं अब क्या होता है चेक कर 2 टाइम मैंने प्रेस किया चलते हैं मैकडॉनल्ड कुछ खाते पीते चलो ओके जी आगे साइन जबरदस्त सिस्टम है रोड क्रॉस करने वालों का सबसे पहला राइट है और जैसे ही प्रेस किया और फौरन से जिसे कहते ना कि वो विद इन अ सेकेंड आई थिंक आपको रोड क्रॉस करने का आ गया और जो गाड़ियाँ चल रही थी फौरन रुक गई वाह 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 क्या बात है अमेरिका में रहने वालों की चले जी मैकडॉनल्ड आ गए चले जी अभी हम कुछ ऑर्डर करते खाने के लिए इस वक्त मैकडॉनल्ड में तो अंदर आ गई हूँ साथ में सेम ड्रेस में मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने मुझे कहा है वन ऑफ माई फ्रेंड मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी जिनके पास मैं आई भी हूँ तो वो खैर ऑर्डर कर रही है हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना है क्या लेना है तो मुझे कहती मुझे मत दिखाना मैंने कहा चलो ठीक है ओके चेक कीजिए सिर्फ शर्ट और मैं 2 पीपल्स ओके वी आर ऑर्डरिंग राइट नाउ ये चेक करें जी दोनों ने एक जैसे ड्रेस पहने ओके जी आज के ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़